हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूँ सुनीता नागदाव, स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमो रेसिपीज पर। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्रीम रोल्स की रेसिपी, और इसे हम आज आसानी से घर की चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे। इसमें जो क्रीम भरी है हमने, उसे भी हम घर पर ही बनाएंगे। बिल्कुल मार्केट जैसे क्रीम रोल हम बनाकर तैयार करेंगे, और इसके मोल्ड भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए मैदा, तो हम यहाँ पर एक कप और कप का जो 1/4 हिस्सा होता है उतना मैदा ले लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं, जो इस तरीके से ही होना चाहिए, जमा हुआ यानी कि अच्छे से मेल्टेड हुआ घी हमें यहाँ पर नहीं लेना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैदे में, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक लगातार इसी तरह मिक्स करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। और इस बटर में सॉल्ट पहले से है, तो हम यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे। और आप घी यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 पिंच नमक डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर नॉर्मल पानी लेंगे और उससे एक सख्त आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी हम कम कम ही डालकर आटा बनाएंगे, ताकि आटा गीला ना हो जाए। रोटी का जो आटा होता है वो काफ़ी नरम होता है, तो हम उससे थोड़ा सा टाइट आटा इसका बनाकर तैयार करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से बांध लेने के बाद हम इसे नीचे फैलाकर और इस तरीके से इसे अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से हमने इसे फैला लिया है, और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो पूरे पे हमें अच्छे से घी लगाना है, और घी लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एक हिस्सा हमें आधे हिस्से तक फैलाना है और दूसरा हिस्सा इसी के ऊपर लगाएंगे, और इसे फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और किसी पॉलीथीन में इसे इस तरीके से पैक कर देंगे, ताकि इसकी बाहर की जो लेयर है वो सूखेगी नहीं। हमें इसी तरह इसे पैक करके और फ्रिज में रखना है 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद हम फिर से इसे कवर से निकालेंगे और इसे अच्छे से फैलाएंगे। सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डाल देंगे ताकि ये चिपके ना, और हम इसे अच्छे से उसी साइज़ में फैलाएंगे, लंबे साइज़ में। और हमें फिर से वही प्रोसेस करना है, इसे ऊपर की तरफ घी लगाना है और उसी तरह से फोल्ड करना है, और फिर से पॉलीथीन में पैक करके, और फिर से हमें फ्रिज में 20 मिनट के रखना है। इस प्रोसेस को हम 4 बार दोहराएंगे, यानी कि 20-20 मिनट हमें 4 बार इसे अच्छे से रेस्ट देना है, और इसी तरह फैलाते हुए हर बार घी लगाना है, और उसके बाद फोल्ड करके, और हम फिर से इसे इस तरीके से मैदा लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर, और इसे अच्छे से फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरीके से बार बार इसे फोल्ड करके और रखने से इसमें अच्छे से लेयर्स आएगी, और रेस्ट करने से इसमें आटा अच्छे से फूलेगा, तो आपका क्रीम रोल काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। 2 मिनट्स जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर इसके मोल्ड बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे प्लेन पेपर, A4 साइज़ का है, इसको हमने आधे हिस्से में डिवाइड कर लिया है, और इस तरीके से इसका एक कोन बनाएंगे। मोटाई हमें इसकी पतली ही रखनी है, ज़्यादा भी हमें इसका गोलाई नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा कागज़ को हम ऊपर से मोड़ लेंगे, और फिर इस तरीके का एक फॉइल पेपर लेंगे इसी कागज़ के साइज़ का, और इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसे हम अंदर की तरफ मुड़ा लेंगे। तो हमने इसी तरह और भी मोल्ड्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे मोल्ड्स इसके बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट्स हो गए हैं, हम फिर से आटे को इसी तरह फैला रहे हैं और ऊपर की तरफ घी लगाएंगे, और इसे देखिए मैं किस तरीके से फिर से इसी तरह फोल्ड कर रही हूँ। जब हम 4th टाइम इसे इस तरीके से रेस्ट करके और फ्रिज से निकालेंगे, तो हमें इसे अच्छे से फिर से घी लगाकर एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और उसे फिर से हम इस तरीके से फैलाएंगे।
तो अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे एक साइज़ में पूरे का पूरा। और इसकी मोटाई देखिए कुछ इस तरीके से है, जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा है। और साइड की स्ट्रिप्स हम निकाल लेते हैं और एक एक स्ट्रिप को हम इस तरीके से लेते हुए इसके मोल्ड के ऊपर इस तरीके से लपेटेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारे क्रीम रोल्स के कवर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कवर तैयार कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर लेंगे मीठा दूध, यानी कि शक्कर डाली है हमने दूध में और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये दूध लिया है हमने। इसे हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश कर लेंगे। इसे ये जब हम इसे बेक करेंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरह सारे क्रीम रोल्स के कवर पर दूध से इस तरीके से ग्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें बेक करने के लिए ओवन में रखेंगे। ओवन को हम पहले से ही प्रीहीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए और उसमें हम रख लेंगे इन्हें। मीडियम टू हाई टेम्परेचर के बीच में रखेंगे और इसे हम 30 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे क्रीम रोल अच्छे से बेक हो गए हैं, इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। क्रीम रोल्स के कवर थोड़े से ठंडे हो जाने के बाद हम इन्हें इस तरीके से मोल्ड से निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्रीम रोल की क्रीम हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है शुगर पाउडर 1 कप और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर घी। और घी देखिए हमने यहाँ पर ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं लिया है और जमा हुआ भी नहीं है, इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पर घी लेना है। और शुगर पाउडर और घी को हमें अच्छे से इसी तरीके से मिक्स करते रहना है। यहाँ पर हम विस्कर की मदद से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पाउडर और घी को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच भरकर इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक या फिर आप 10 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटिए तो ये एकदम फ्लफी क्रीम की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इस तरीके से क्रीमी होने लग गया है। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें वेनिला एसेंस डाल देते हैं, इससे इसकी फ्लेवर आ जाएगा। आप अपनी पसंद से यहाँ पर कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा सा पिंक फूड कलर यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारी कलर क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। और आप चाहे तो यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे 2-4 मिनट और फेटेंगे और कम से कम हमने 12 से 13 मिनट इसे अच्छे से फेटा है। तो ये देखिए इसका एकदम फ्लफी कंसिस्टेंसी में बनकर ये तैयार हो गई है। काफ़ी क्रीमी इसका टेक्सचर आ गया है। आप इसे अच्छे से किसी ब्लेंडर से फेटेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसे किसी पाइपिंग बैग में भर लेंगे और इस तरीके से क्रीम रोल्स के अंदर भरेंगे। आपको इस तरीके से पाइपिंग बैग में पूरे अंदर से क्रीम रोल को भरते हुए बाहर तक लाना है। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से हमने इस क्रीम को भर लिया है। इसी तरह हम दूसरे क्रीम रोल्स को भी भरकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे क्रीम रोल्स भरकर तैयार कर लिए हैं और कम से कम 1 कप मैदा से हमने 7 से 8 क्रीम रोल्स बनाकर तैयार किए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी से इसे गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स घर के इंग्रेडिएंट्स से ही हमने कितनी आसानी से क्रीम रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इस तरीके से इन्हें बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स क्रीम रोल्स की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और आप इसे जब भी ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पर इसका फ़ोटो ज़रूर टैग कीजिए सुमो रेसिपीज़ पर।
चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हमारे और भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिलते हैं इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।